हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0 में। जैसा कि आप लोगों ने अभी पहले क्लास देखा होगा, अभी आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का DLD का बैच वीडियो डाला गया है। तो आज हम लोग हिंदी का सेशन करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी सी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको है, 96 नंबर क्वेश्चन इसमें है, समझिए कि पहला नंबर है कि विषमत अस्थाई भाव किस रस में होता है। विषमत अस्थाई भाव किस रस में होता है, यानी कह रहा है कि अद्भुत रस में होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अद्भुत रस में होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट है कि ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द मंद है, क्या है, मंद, मंद है तीक्ष्ण शब्द का। जिसे आपसे पूछा जाएगा कि प्रखर का विलोम शब्द क्या है, तो मंद है। प्रखर का विलोम शब्द भी मंद है, तीक्ष्ण का भी मंद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तीन बेर खाती थी, इनमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ये काम दो या दो से अधिक बार होती है, इसमें यमक अलंकार लग जाता है। चलिए आगे सवाल पढ़ेंगे दोस्त। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ अति प्रसन्न होना है, क्या है, अति प्रसन्न होना है। नेक्स्ट सवाल है, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाए, यह युक्ति किस संत कवि की है। कह रहा कि हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाए, यह युक्ति किस संत कवि की है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कबीर की है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह को पहचानिए कौन सा है, ये वाला है विवरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा जाए तो ये वाला, पूर्ण विराम चिन्ह कहे तो ये वाला, विस्मयादि चिन्ह यहाँ। चलिए चार को तो चिन्ह पहचानिए गए, तो चलिए यहाँ नहीं चाहिए कि मिलान मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह युक्ति किस रचनाकार का है। करा है ना कि मिलन के पल, हिंदी थोड़ी सी दो बार पढ़ने की चीजें पढ़िएगा समझ में आएगा। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह युक्ति किस रचनाकार का है। तो सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का है। नेक्स्ट, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्रहीन शब्द में जो समास है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। अस्थावर का विलोम शब्द जो है जंगम है, कौन सा है, जंगम। नेक्स्ट, नेकी का फल बंदी इस लोककित का अर्थ क्या है। नेकी का फल बंदी इस लोककित का अर्थ है भलाई का बदला बुराई। नेक्स्ट सवाल है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देवर्षि का सही संधि विच्छेद जो है देव जो ऋषि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, कितना अकेला आकाश किस विद्या की रचना है। कितना अकेला आकाश किस विद्या की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृत्त की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजर। नेक्स्ट सवाल है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। प्यारे देशवासियों में कारक है असंबोधन कारक, संबोधन यानी संबोध कर रहा है। नेक्स्ट है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, ये कौन सा वाक्य है। ये वाक्य है, इसमें आज्ञा सूचक आज्ञा दे रहा है कि तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, आज्ञा दे रहा है। नेक्स्ट, संयोग के लिए सही संधि विच्छेद को सुनिए। संयोग, संयोग कर रहा है ना, संयोग के लिए, तो इसमें हो जाता है समझोर योग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह गीत की दो लड़ियां गाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो मैं ऐसा जानती रहे
किया दुख होए जो मैं ऐसा जानती रहे किया दुख होए नगर पिटती रे पीड़ित न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जगह प्रीत ढूंढ है यार, प्रीत ढूंढ है रो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो बताइए, सही जवाब हो जाएगा रति है। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बांधो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए, छंद। अब इसमें छंद जो है दोहा छंद है, कौन सा है दोहा छंद। कुछ और सवाल बचे हुए, एक दो प्रश्न। पीताम्बर में निम्न में से किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर में कर्मधारय समास है, गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। तो गोस्वामी किसकी कृति है? वो तुलसीदास की कृति है, तो कृष्ण गीतावली के है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको अनुच्छेद पढ़कर करना है, तो इसका आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और रात्रि में 8:15 बजे आपकी क्लास बिहार SSC के चल रही है, जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।